नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम जो है हमारी लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र को सिखाता है, तो जो अनेक गुप्त विद्याएं होती हैं इस प्रोग्राम में आपको मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष की विद्या ही लगा लीजिए तो वो आपको कहीं पे सुनने को नहीं मिलते। ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हम इस एपिसोड में बता देते हैं आपको, जितने ज्योतिषीगण हैं ना वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये बातें कहाँ से उभर के आती हैं, कहाँ से इनका विश्लेषण हो गया इन बातों का। लेकिन ग्रहों की बात करें, ग्रह तो ग्रह हैं। अगर ग्रह हमारी जीवन में इतना बड़ा महत्व रखते हैं तो इन ग्रहों के साथ हमें चलना भी आना चाहिए। कैसे ग्रह जो हैं हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं, तो ग्रहों की बात है, देवों की बात है। तो इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और एक शेयर दूसरे को जीवन दान भी दे सकता है। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए हमने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो आज हमारे साथ है प्रोफेसर गुरदीप अड़ा साहब, और एपिसोड की शुरुआत किस पे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप अड़ा साहब का। तो प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो आपकी ये नमस्कार, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद सुना। आप हर बार बोल देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, जैसे कि हमारा वेद पुराण चैनल है, तो हम स्पिरिचुअल बातें करते हैं, हम वहाँ पे डिवोशनल बातें करते हैं, लेकिन ये नमस्कार है ना आपका बुलाने का ढंग, ये हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं नमस्कार, तो दिल जो है खिलखिला उठता है, पता लगता है कि अब कुछ ज्ञान की बातें जो है अंदर भरी पड़ी हैं वो हमें मिलने वाली हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर बात करें ग्रहों की, पहले हम बात कर, प्रोफेसर हमने बात की राहु देव के ऊपर, शनि देव के ऊपर, सूर्य देव के ऊपर, सभी मुझे लगता है कि हमने जो 7 ग्रह 9 ग्रह हैं उनके ऊपर बात कर चुके हैं हम, लेकिन आज फिर शुरुआत करेंगे हम सूर्य देव के ऊपर से, क्योंकि आपको पता ही है कि आने वाला जो 15 दिन है तो अब सूर्य देव जो है 7 नंबर राशि में चले जाएंगे। तो 7 नंबर गोचर जो है वो बहुत महत्व रखता है, रनिंग जो है बहुत महत्व रखता है, जो प्लैनेट्स ब्रह्मांड में चल रहे हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। तो प्रोफेसर साहब, बात आती है सूर्य देव की, तो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सूर्य देव होते हैं ना 7 नंबर राशि में आते हैं तो कत्तक का महीना शुरू हो जाता है। इस कत्तक के महीने में जब इंसान, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि नेम फेम नहीं हो पाता, डिजर्व जितना वो डिजर्व करता उतना उसको मिलता नहीं है। क्या ये बात वाकई में सच है? बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल सही बात है। सूर्य उत्तरायण की ओर से अब दक्षिणायन हो जाएगा। सूर्य यहाँ पे मृत्यु लोग होते हैं जहाँ पे जाना शुरू हो जाता है, वो बहुत बड़ी बातें हैं, मेरी बातें बातें में बहुत आगे चली जाएंगी, मैं वहीं पे ठहर जाता हूँ क्योंकि मेरी बातें बहुत गहरी होती हैं। जब मैं कोई भी गहरी बात बोलता हूँ तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, प्रोफेसर साहब आप ज्योतिष की बातें कम करते हो और बातें ज़्यादा बताते हो। लेकिन क्या करूँ, अगर अकेली ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिषी की बात तो पूरे भंडार भरा हुआ है ज्योतिषी की बातों से, सुन लीजिए ज्योतिष की बातें वहां से, लेकिन यहां पे आपको ज्ञान मिलेगा। ज्योतिष की बात कम ज्ञान ज़्यादा, किस चीज़ का ज्ञान? ब्रह्मांड का। अगर आप ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते तो ज्योतिष में अधूरे हो। अगर आप इन आकाश में, इन पौधों को, इन प्रकृति को, इन वातावरण को, एक हवा के रुख को नहीं जानते तो आपको पता नहीं चलेगा कि बरसात होगी या नहीं होगी। देखिए, अगर पूरब की ओर से बादल आते हैं तो बरसात बहुत, कहते हैं भरे हुए होते हैं, धीरे धीरे छींटे मारते चलते जाते हैं। अगर हमारे दक्षिण की ओर से बादल आते हैं तो बरसात कम होती है। अगर कहीं उत्तर की ओर से बादल आए तो बरसात बहुत होती है, पहाड़ों से टकराकर वापस आते हैं, और कभी पश्चिम की ओर से आए तो हवा साथ लेकर आते हैं। देखिए, जब तक आपको प्रकृति के बारे में नहीं पता तब तक ज्योतिष में आप अभी तक ABC पे ही हो। जब तक प्रकृति के बारे में नहीं जान पाओगे तब तक ज्योतिष के बारे में नहीं जान पाओगे। मैं प्रकृति को बहुत ध्यान से अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ अगर मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ अब तो मुझे कौन सा कलर डाल के जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। ईस्ट की ओर अगर हमने यात्रा करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए, अगर हम ईस्ट की ओर इस वक्त यात्रा करेंगे क्या हमारे लिए अच्छी होगी। देखिए,
सूर्य नीच का होने वाला है, 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को नीच राशि में चला जाएगा। आज 2 अक्टूबर है तो नीच राशि में चले जाएंगे, क्या पता ये एपिसोड कब चले। और जब सूर्य नीच की हो जाते हैं उस वक्त क्या ईस्ट की दशा, ईस्ट की ओर यात्रा अच्छी होगी? जिसका सूर्य अच्छा उसके लिए अच्छी नहीं होगी, जिसका सूर्य बुरा उसके लिए अच्छी होगी। देखिए, जब तक आप अच्छे ढंग से अध्ययन नहीं कर पाओगे, प्रकृति के बारे में जान नहीं पाओगे, इन चीज़ों के बारे में, ज्योतिष के बारे में नहीं जान पाओगे। स्टार्टिंग बताता हूँ, 15 अप्रैल से, जैसे 14 अप्रैल को कहते हैं, या 15 अप्रैल से 14-15 तकरीबन एक आधा दिन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सूर्य यानी कि एक साल में 4 सेकंड का फर्क रखता है। जैसे कहते हैं ना, सूर्य एक साल में 4 सेकंड का फर्क रखता है, 4 सेकंड घूमता है, इसलिए मैं एक दिन का इसलिए लेता हूँ। कई दफ़ा 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चला जाता है, कई दफ़ा 15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चला जाता है। एक नंबर राशि में सूर्य जाता है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। देखिए, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक 30 दिन के लिए सूर्य 1 डिग्री चलता है एक दिन में। 30 डिग्री यानी कि एक राशि की 30 डिग्री होती है, तो 30 दिन में पूरा चलता है, क्योंकि वो आप तभी कहते हैं जिसका सूर्य अच्छा होता है टाइम के पंचुअल होते हैं, क्योंकि सूर्य टाइम का पंचुअल है भाई, जितने बजे निकलता उतने बजे ही निकलेगा, और गति अपनी उतनी ही रखता है जितनी उसको चाहिए। 1 डिग्री ही, वो कभी वक्री नहीं होता, वो कभी भागता नहीं है, कभी पीछे नहीं चलता, अपनी गति को कभी तेज़ नहीं करता, अपनी गति को कभी धीमा नहीं करता। यानी कि सूर्य लगन वाले बंदे ऐसे ही होते हैं। देखिए, जब तक आप नेचर को नहीं जानोगे तब तक ज्योतिष का अध्ययन नहीं कर पाओगे। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य मेष राशि में, 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य वृष राशि में, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में। सुनते जाइए, जैसे कि मेरा 25 जुलाई का है तो मेरा सूर्य कहाँ पे होगा? कर्क राशि में। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, यानी कि 15 सितंबर तक सूर्य कहाँ था? सिंह राशि में। अब 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कन्या राशि में अभी चल रहा है। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, सूर्य दक्षायण हो जाएगा, तुला राशि में रहेगा। 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य कहाँ रहेगा? वृश्चिक राशि में। 15 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक सूर्य कहाँ रहेंगे? धनु राशि में। देखिए, सर्दियों का मौसम होगा तो सूर्यदेव अग्नि राशि में होंगे, यानी कि धनु राशि में। अब ध्यान से सुनिए, 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में। मकर संक्रांति आती है भाई, तो जब तक मकर संक्रांति में हम स्नान करने जाते हैं, क्यों? क्योंकि शनि की खराब राशि होती है, वहाँ पे हम कहते हैं गंगा स्नान करना जरूरी है, कुंभ का मेला लगता है ना, तो फिर इसलिए 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में, उत्तरायण होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में। यानी कि जब सूर्य मीन राशि में होते हैं तो बरसाती, कौन सी बरसात होती है? नमक वाली बरसात। जैसे ही बादल बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो बरसात करते जाते हैं, यानी कि जैसे ही समुद्र का पानी भरते हैं वैसे ही बरसात करते जाते हैं। जब सूर्य देव कर्क राशि में होते हैं तो बरसात कौन सी होती है? यानी कि जुलाई के महीने में कौन सी बरसात? शुद्ध पानी पीने में अच्छा लगता है। तो जब सूर्य देव वृश्चिक राशि में होते हैं तो, और अभी दीपावली के पटाखे सब धुआं कड़कड़ सब ऊपर जाता है, तो जब वृश्चिक राशि में सूर्य देव आते हैं तो जब बरसात होती है थोड़ा थोड़ा कालापन आता है, आपका ही धुआं आपके सिर के ऊपर आता है। जब हम वातावरण को ख़राब करते हैं, प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती,
वो वापस आपको ही देती है। इसलिए प्रकृति के साथ ज़्यादा ना तो ज़्यादा खेलना चाहिए, ना खराब करना चाहिए, नेचर को अच्छा करना चाहिए। हम यहाँ पे नेचर की बात करें तो पौधे लगा रखे हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, लेकिन बाहर मैंने ओरिजिनल सभी लगा रखे, मेरे इर्द गिर्द पूरे घर के इर्द गिर्द ओरिजिनल पेड़ लगे हुए हैं। इसलिए अगर आप नेचर को अच्छा करोगे, नेचर आपको अच्छा करेगी। देखिए हमारे जैसे कहते हैं छत का माहौल कितना अच्छा है, हम लैपटॉप में आजकल कम करते हैं एपिसोड, हम चाहते हैं कि नेचर के साथ एपिसोड करें तो अच्छा लगे। हमें ये होता है कि एक तो बाल जो झड़ने शुरू हो गए थे, आपको पता है जितने भी एक्टर होते हैं, जितने भी एक्टर होते हैं उनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं, चेहरा बहुत जल्दी मुरझा जाता है, क्यों बताओ? ये जो लाइट होती है ना, ये किसी को नहीं छोड़ती, ये फेस में बहुत जल्दी झुर्रियाँ डल जाती हैं, जो फेस का जो कलर है वो जल्दी बहुत जल्दी डल हो जाता है, चमक कुदरती चमक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि लाइटों में बैठ के तो शूटिंग करेंगे तो कुदरती चमक कहाँ रहेगी भाई। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने लाइटें तो बहुत अच्छी अच्छी खरीदी हैं लेकिन मेरा दिल नहीं करता लाइटों में बैठने के लिए। अगर मैं ही कुदरत के साथ नहीं प्यार करूँगा तो फिर भगवान मेरे को कहाँ ज्ञान देगा। इसलिए मैं कुदरत से प्यार करता हूँ। छत के ऊपर ही हम बैठ जाते हैं, पेड़ पौधे हम लेके आते रहते हैं, जब पेड़ पौधे हमें ज़्यादा एपिसोड हो जाते हैं तो जाके नीचे उठा देते हैं, कभी कहीं रख देते हैं और नए ले आते हैं। तो इसलिए आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेचर में बैठने में और ज्ञान भी भगवान ज़्यादा देता है। सुबह सुबह हम बैठे हुए हैं, अभी ऑफिस में हमें जाना है, 8:15 हो चुके हैं, क्योंकि पहले हम पाठ पूजा करते हैं 6:30 से लेकर 8 बजे तक, 1.5 घंटा हम वेद पुराण जो चैनल चला रखा है उसकी हम गाथा सुनते हैं, पाठ करते हैं और आराधना करते हैं। और उसके बाद कभी कभी जब हमारे पास टाइम रह जाता है तो फिर हम जब जल्दी आ जाते हैं तो फिर हम एपिसोड करते हैं, क्योंकि द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ भी तो प्रोग्राम चलाना है भाई, ज्योतिष के बारे में भी तो बताना है, तो इसलिए हम ज्योतिष की बातें करते हैं। वो जो वेद पुराण चैनल है हमारा, वो जन कल्याण के लिए है, जिसका जन का कल्याण हो। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम है ये ज्ञान देने के लिए, ज्योतिष का ज्ञान देने के लिए, ज्योतिष क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। और जो वेद पुराण चैनल है वो भगवान का ज्ञान देने के लिए, वेद शास्त्र का ज्ञान देने के लिए है। इसलिए हम सुबह सुबह वो पढ़ते हैं और कभी जब टाइम मिल जाता है तो एपिसोड करते हैं। जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं वैसे वैसे मैं आपको जवाब देता रहता हूँ। बहुत आसान, जो इंसान ज्योतिष से प्यार करता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कीजिए उसका जवाब ऐसे निकलेगा जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम अगर बोल दें ABC सुनाओ तो वो फटक से सुना देता है, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान वही बता सकता है जो नेचर से प्यार करता है और प्रकृति से प्यार करता है, जो भगवान के बनाए हुए इंसान हैं उससे प्यार करता है। जी प्रोफेसर साहब, आपकी बातें जो हैं वो आगे की आगे हो जाती हैं, क्योंकि ये एपिसोड है ज्ञानवर्धक है, ज्ञान की बातें करते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, सूर्य जो है वो 7 नंबर राशि में आने वाले हैं, शुक्र की राशि में सूर्यदेव आएंगे, तो ज्योतिषी बोलते हैं कि सूर्य नीच के हो जाते हैं इस वक्त। तो जब नीच के हो जाते हैं, कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है, तो इस सूर्य जब नीच के होते हैं, जब जन्म बच्चा जन्म लेता है इस महीने में, तो कहते हैं कि कार्तिक की पूजा करवाइए, कत्तक की पूजा करवाइए। क्या ये पूजा करवानी चाहिए? और इस इंसान को, इस बच्चे को ज़्यादा नेम फेम नहीं मिल पाता है, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सही बात है शिफाली जी। सूर्य जब तुला राशि में होंगे, सूर्य का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है जी। सूर्य तुला राशि में जब होते हैं तो सूर्य देव का प्रभाव कम हो जाता है जी। अगर कहीं सूर्य देव छठे घर के मालिक हैं जी, अगर कहीं सूर्य देव 8th हाउस के मालिक हैं, अगर कहीं सूर्य देव 12th घर के मालिक हैं, तो नीच हो रहे तो ठीक है जी, बुरे घरों के मालिक तो नीच होने चाहिए भाई जी, बिल्कुल। अगर कहीं सूर्य त्रिकोणों के मालिक हैं, केंद्रों के मालिक हैं, वो नीच नहीं होने चाहिए जी। इसलिए देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में सूर्य देव कौन से घर के मालिक हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा जी। कुछ लोग तो ना सूर्य देख लेते हैं, मेरा 6th हाउस में पड़ा है। अरे भाई, 6th हाउस में पड़ा है कौन सी राशि का है, वो राशि आपके किस घर में पड़ी है, उसकी प्लेसमेंट मत देखिए। अगर मेरी बात सुनिए, सूर्य कहते, कुछ लोग कहते हैं मेरा 6th हाउस में पड़ा है भाई,
अगर आपका सूर्य 12वें घर का हो करके छठे हाउस में पड़ा तो शिफाली जी कहते हैं कि कुछ हद तक ठीक है जी, बिल्कुल बुरे घर का मालिक बुरे घर में आ गया। अगर कहीं सूर्य 12वें घर का मालिक होकर 8 हाउस में पड़ा है तो बहुत अच्छा है जी। 12वें घर का मालिक अपने से भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो अच्छा है ना। यानी कि देखना पड़ेगा कि सूर्य देव कौन से घर में बैठे हैं और कौन से घर के मालिक हैं। अगर मान लीजिए सूर्य देव 9वें घर के मालिक है तो 8 हाउस में बैठे तो बहुत बुरा हुआ, भाग्य का मालिक अपने से 12वें स्थान में आ गया तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो गया जी। देखना पड़ेगा कि सूर्य देव की प्लेसमेंट कहाँ है। ये तो उसकी कुंडली से पता चलता है शेफाली जी, सूर्य देव नीच के होते हैं। हाँ, नीच के होते हैं तो कुछ कहते हैं कि पूजा करवानी चाहिए, कार्तिक की पूजा करवानी चाहिए। कार्तिक की पूजा हम इसलिए बोलते हैं, जो कार्तिकेय थे शेफाली जी वो भोले शंकर के पुत्र थे जी। मन मिटाव हो गया था जब वो ब्रह्मांड की यात्रा करके आए थे, तो क्या श्री गणेश जी को शादी कर दी, उसके पीछे सब कुछ दे दिया, क्योंकि उनके माँ बाप की थी परिक्रमा। तो गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे जी। तो इसलिए कार्तिक का थोड़ा सा मन मुटाव हो गया था पिता के साथ जी। इसलिए कार्तिक की पूजा करवाते हैं जब सूर्य नीच के होते हैं, कि ताकि उनकी जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो काम में कहते हैं सूर्य अंधेरे की ओर जाते हैं, सूर्य तुला राशि में अंधेरे की ओर जाते हैं, सूर्य नीच के होते हैं तो प्रभाव नहीं दे पाते, तो कार्तिक की पूजा करवाते हैं। तो ये शेफाली जी एक चीज और आपको बता दूं, लोगों को पता नहीं होगा, हमेशा कोई भी जब पूजा करवाते हैं तो शेफाली जी वो सिर्फ 2.5 साल के भीतर भीतर ही अगर बच्चा हो तो असर करती है, नहीं तो नहीं जी। ये नहीं कि आप अभी 20 साल का बच्चा हो चुका है तो मेरा बच्चा था कार्तिक की पूजा करवानी है मैंने। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, हाँ जी मेरा बच्चा गंडमूल में जमा था, आज मेरा बच्चा 25 साल का हो चुका है, कोई भी काम नहीं बनता तो गंडमूल की पूजा करवानी है। कुछ लोग ऐसे वहमों में अभी भी फंसे हुए हैं जी। वहमों से बाहर आइए, जब बच्चा 2.5 साल का होता है तभी ही, उससे पहले पहले गंडमूल की पूजा, उससे पहले पहले कार्तिक की पूजा, उससे पहले पहले जब बच्चे की कुंडली में कोई भी दोष होता है तो 2.5 साल से पहले पहले करवाइए। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है तो दोष खत्म हो जाते हैं, कोई पूजा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कुंडली अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए, वो देख के बताएगा अगर ये दोष है तो उसका ये उपाय, माँ बाप की सेवा या कुछ भी और भी कुछ भी है, बहुत से ऐसे उपाय हैं जो मैं बता सकता हूँ, और ऐसे ही आपको उपाय बताता रहूँगा तो धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो कुंडली के मुताबिक शेफाली जी पता चलता है कि पूजा करवानी चाहिए या नहीं, बच्चा बड़ा हो चुका है या नहीं, बच्चे का सूर्य देव कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बच्चे का अगर सूर्य देव 8 हाउस का मालिक हो और छठे हाउस में पड़ा हो तो फिर अच्छा है ना। अगर 8 हाउस का मालिक हो करके पंचम स्थान में पड़ा है या लग्न में पड़ा है वो खराब है, वो पंचम घर को पुत्र को खराबी देगा, लग्न को आपके शरीर को खराब करेगा, बीमार रखेगा, वो देखना पड़ेगा कि सूर्य देव किस घर के मालिक हैं जी। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि अगर 7 नंबर राशि का सूर्य हो, अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाए तो कोई बुरा प्रभाव नहीं देता। तो प्रोफेसर, बहुत सारे जो जोशीगण हैं वो ये बोलते हैं कि अगर सूर्य 7 नंबर राशि का है, नीच सूर्य है, तो इंसान डिजर्व नहीं करता, पिता पुत्र की नहीं बनती, और जो पुत्र है जिस बेटे की कुंडली में ये सूर्य नीच के हैं वो उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें प्रोफेसर, जैसे कि शाहरुख खान, जैसे कि ऐश्वर्या राय, ये भी 7 नंबर राशि, इनका भी कुंडली में 7 नंबर राशि का सूर्य देव है, तो इन लोगों ने तो बहुत तरक्की की, तो क्यों ऐसा बोल देते हैं जोशी कि अगर 7 नंबर राशि का सूर्य है तो इंसान डिजर्व नहीं करता, जितना डिजर्व करता उतना उसको मिलता नहीं, लेकिन इन लोगों को मिला, क्यों? बहुत शुक्रिया जी आपने। अगर कहीं भी, मैंने अभी भी बताया कि सूर्य की प्लेसमेंट जब तक आप नहीं देख पाओगे तब तक आप सूर्य देव के बारे में नहीं जान पाओगे जी। ये नहीं कि 7 नंबर राशि का सूर्य जो है वो तरक्की नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सूर्य की प्लेसमेंट देखनी चाहिए कि सूर्य किस घर का मालिक है। 7 नंबर राशि के सूर्य ऐसे, जैसे कि 7 नंबर मान लीजिए 7 नंबर राशि आ गई आपकी सप्तम घर में, मेष लगन लगा दूँ तो जी, पंचम घर का मालिक हो करके सप्तम घर में बैठ गया जी, तो फिर बच्चे ज़्यादातर आपकी वाइफ के अधीन होंगे जी, क्योंकि बच्चों का घर का मालिक वाइफ के घर में आ गया जी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, तो बच्चे आपके ओपोजिट खड़ेंगे, देखिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर जब तक आप सूर्य की प्लेसमेंट या सूर्य की राशि को नहीं देख पाओगे तो निर्णय नहीं कर पाओगे कि अच्छा है या बुरा है। अब मारक घर में पंचम घर का मालिक आ गया,
मार्केश होता है पंचसत्तम घर, जी बिल्कुल मार्केश घर होता है, तो यहाँ पे आके पत्नी को रुतवा देगा जी, पत्नी का नाम करेगा। देखिए सात नंबर का है लेकिन पत्नी के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, खुद के लिए नहीं अच्छा हुआ, खुद के लिए तो सामने घर में बैठ गया जी। पत्नी का दबदबा उसके ऊपर होगा, बच्चों का दबदबा उसके ऊपर होगा, वो अलग बात है, लेकिन ये मैंने मेष राशि के लिए बताया मोटा मोटा जी। आपकी कौन सी राशि, कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, किस घर में पड़ा है, किस घर में नहीं पड़ा, जब तक शेफाली जी हम कुंडली नहीं देख पाते तब तक हम नहीं निर्णय देख पाएंगे ये अच्छा है या बुरा है। ऐसे जो बातें करते हैं मैं तो ये समझता हूँ उनको ज्योतिष नहीं आते। जब तक ज्योतिष के बारे में आप अच्छी डिग्री उसके बारे में नहीं जान पाओगे, अगर मान लीजिए सूर्य सात नंबर राशि का एक डिग्री का भी नहीं हुआ, अभी तीन कला का ही है, तो सात नंबर राशि का कहाँ रहा जी। देखिए फिर सातवें घर में जरूर चला गया लेकिन डिग्री तो उसकी है ही नहीं जी। जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात आती है कि अगर तुला लग्न हो, सात नंबर राशि का सूर्यदेव आ जाए, साथ में शनिदेव बैठ जाए, तो ऐसा जातक कैसा होगा? देखिए शिवाली जी, तुला लग्न हो जी, तुला लग्न में शनि उच्च का होता है जी, सूर्य नीच का होता है। पहली बात तो ये है यहाँ पे उच्च भंग और नीच भंग दोनों योग बनते हैं जी। यहाँ पे सूर्य नीच नहीं रहते और शनि उच्च नहीं रहते हैं। ये तो किताबों की बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है जो मैं बोलने वाला हूँ जी। मैं किताबों की बात नहीं करता, आपको सबको पता है क्योंकि तो किताबों में लिखा है उच्च भंग नीच भंग योग हो गया, अब ये उच्च नहीं रहा ये नीच नहीं रहा। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर तुला लग्न में सूर्य देव आ जाएं और शनिदेव साथ में आ जाएं, सूर्य देव का प्रभाव खत्म हो जाता है, पिता के लिए कष्टकारी होता है, पुत्र पिता के साथ बनती नहीं या पिता से दूर चला जाए, पिता दूर चला जाता है, पिता के लिए कष्टकारी होता है, शनि का प्रभाव रहता है। क्यों जी? क्योंकि जब शनि देव ने आराधना की थी, भक्ति की थी, तो शनि देव को वरदान मिला था। जब आप सूर्य देव के सामने जाएंगे तो सूर्य देव का प्रभाव कम होगा, आपका प्रभाव कम नहीं होगा। जब सूर्य यहाँ पे है तो शनिदेव आ जाते तो काला पर्दा आगे आ जाता है, सूर्य दिखाई नहीं देते, इसलिए शनि का प्रभाव वैसा ही रहेगा लेकिन सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा। इस बात का किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता। शेफाली जी, जब तक हम ग्रंथ नहीं पढ़ते जी, जब तक हम ज्ञान नहीं लेते तो इन बातों का ज्ञान कैसे आएगा जी? बिल्कुल। तो इसलिए ग्रंथ पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्योतिष के लिए जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इंसान को ज्योतिष नहीं आएगी। हम सुबह सुबह ग्रंथ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? शायद भगवान हमें और गहरी ज्योतिष दे दें जी। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहते हैं अगर कहीं मान लीजिए मंगल चार नंबर राशि में नीच का होता है जी, और दस नंबर में उच्च का हो, दस नंबर में उच्च का होता है, गुरु दस नंबर में नीच के होते हैं, चार नंबर में उच्च के होते हैं। अगर चार नंबर राशि में मंगल के साथ गुरु आ जाए तो बताइए सभी किताबों वाले पता क्या बोलेंगे? सूर्य जो मंगल है वो नीच रहेंगे, नीच भंग हो गया, गुरु है उच्च भंग हो गया, दोनों ही न्यूट्रल हो गए। गलत, बहुत गलत। सूर्य जो है आपको पता है अग्नि राशि है, मंगल भी अग्नि राशि है भाई जी। गुरु भी अग्नि राशि है, गुरु की दो राशियां हैं, एक पानी की एक अग्नि की, मंगल की दो राशियां हैं, एक पानी की एक अग्नि की, आप सबको पता है। और दोनों जब कर्क राशि में आएंगे तो प्रभाव कैसा होगा? वहाँ पे गुरु का प्रभाव उच्च का ही रहेगा जी। मंगल का प्रभाव थोड़ा कम होगा, गुरु का प्रभाव उच्च ही रहेगा। वो क्यों? अरे भाई मंगल का मित्र है गुरु, मंगल को आशीर्वाद देता है। जब तक इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसी बातें नहीं जान पाओगे आप। जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तब तक जान नहीं पाओगे। नीच भंग जरूर हुआ लेकिन गुरु का उच्च भंग नहीं हुआ जी। वो इसलिए क्योंकि गुरु को, गुरु क्या है? ज्ञान। मान लीजिए मैं हूं, मैं शेफाली जी के घर चला गया जी। शेफाली जी के घर में एक और इंसान आया जो कि वहाँ पे शेफाली के साथ नहीं, शेफाली की उसके साथ नहीं बनती, वो जहाँ पे शेफाली जी उनके साथ वो पूछते नहीं, उनको चाय पानी नहीं पूछते, वो नीच हो गया था वहाँ जाके। और मैं शेफाली जी के घर जाके मेरा पदवा, क्योंकि शेफाली का मैं गुरु हूँ,
तो मेरा तो उद्दा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसका उद्दा वहाँ उसको आना पड़ा, उसको क्यों आना पड़ा, वो मेरा मेरा भी चेला है, मान लीजिए मंगल मेरा भी चेला है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, वो वहाँ पे पड़ गया। शेफाली, शेफाली का घर कौन सा है? 4 नंबर का। मैं आपको साइंटिफिक रीजन से समझा रहा हूँ जी। अब वो वहाँ पे आएगा, उसको चाय पानी नहीं मिलेगा। अगर मैं वहाँ पे पहुँच गया, मेरे साथ बैठा है, तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा भी चेला है, वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए उसका प्रभाव वहाँ पे, वो अपनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ रह के उसको अच्छा फल मिलेगा, उसको खाने पीने को मिलेगा, रुतवा जो मेरा है उसके मेरे साथ साथ रहेगा तो मिलेगा। इसलिए जो मंगल का प्रभाव है वहाँ पे नीच भंग हो जाएगा, लेकिन गुरु का उच्च भंग नहीं होगा। शेफाली जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं, जी जब तक आप, मैंने फिर बोला, ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक ज्ञान नहीं आएगा। जी जी प्रोफेसर, ऐसी विद्या कहाँ से मिलनी है, कहाँ से मिलेगी, नहीं मिल सकती, क्योंकि ये किताबी बातें नहीं हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इसलिए हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य, इन बातों का क्या आपको पता था? बिल्कुल नहीं पता था। ये बातें जो है वो प्रैक्टिकल हैं, ये जो बातें हैं ना वो प्रैक्टिकल हैं। तो और ज्ञान की बातें जानते हैं। अभी मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, शायद आप ही के मन में उठ रहे होंगे कि जब सूर्य नीच राशि में आते हैं, जब सूर्य शुक्र की राशि में आते हैं, जब सूर्य 7 नंबर राशि में आते हैं, आने वाले होते ही हैं, जैसे कि दीपावली आने वाली ही है, तो उससे पहले क्या होता है, घर में बहुत सारी अनघटित घटनाएं हो जाती हैं प्रोफेसर साहब। सूर्य जब, मैं ये नहीं कहती सूर्य 7 नंबर राशि में आने वाले होते हैं, जब जब दीपावली आने वाली होती है, कई घरों में ऐसा होता होगा, कई व्यक्तियों के साथ ऐसा होता होगा कि उनके घर जो घर का सिस्टम खराब हो जाता है, पैसे की कमी हो जाती है, जितना कमाया सारा ख़त्म हो जाता है, और साल में एक दफ़ा ही ऐसा होता है, सारा साल कमाते हैं लेकिन जब दीपावली आने वाली होती है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? शेफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन प्रवृत्ति को कौन चलाता है? जवाब आप ही दोगे, मेरे मेरे जवाब देने की बात की बात है। प्रवृत्ति को कौन चलाता है? जी सूर्य देव। जी बिल्कुल। जब सूर्य देव ही नहीं निकलते तो प्रवृत्ति का क्या हो जाता है? जी प्रवृत्ति में जितने पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन देने बंद कर देते हैं भाई, जो जीव जंतु बैक्टीरिया वो फैल जाता है, प्रवृत्ति नष्ट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जिस जिसकी कुंडली में सूर्य बढ़िया है, जिस जिसकी कुंडली में, उनके साथ कभी नुकसान नहीं होगा जी। जिस जिसकी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं उनके साथ, सूर्य खराब किसकी कुंडली में होते हैं बताइए, जरा बता दूं, जिसके कर्म अच्छे नहीं होते उसकी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं, जो सूर्य देव के दर्शन ही नहीं करते, जो सूर्यदेव अच्छे होते हुए भी खराब कर लेते हैं, जो सूर्य देव के सुबह सुबह उठ के सैर नहीं करते, नमस्ते नहीं बुलाते, माथा नहीं टेकते, सूर्य नमस्कार नहीं करते, सूर्य को अर्घ नहीं देते, उनका सूर्यदेव तो खराब ही है। जो पिता का आदर मान सम्मान नहीं करते उनका सूर्यदेव खराब है, तो उनके साथ तो दुर्घटना होगी ही होगी। आपको पता है अगर सूर्यदेव तुला राशि में जाएंगे, सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, तो क्या आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी? क्योंकि आपने तो पहले से सूर्य को अच्छा नहीं समझा, इसलिए शॉर्टकट में बताया मैंने, बहुत बड़ी बातें थी, पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं कि 2-4 मिनट रह गए हैं जी। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर सूर्य देव आपकी कुंडली में खराब किए हुए हैं आपने, तो आपके साथ दुर्घटना। शेफाली जी, 98% लोगों के सूर्य देव खराब हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं उन्होंने भी खराब किए हुए हैं, तो अगर खराब किए हैं तभी दुर्घटना का जो कहते हैं ना रेशो वो बढ़ जाती है। जी जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात निकल कर आती है कि अगर घर का कर्ता धरता है उसका सूर्य खराब है, लेकिन उसकी पत्नी का नहीं खराब, उसका उसकी पत्नी का उच्च का सूर्य है, पति का सूर्य नीच का, पत्नी का उच्च का सूर्य है, क्या ऐसा ही प्रभाव देगा? शेफाली जी, पत्नी के द्वारा उसका जो नष्ट है फल वो कम होता जाएगा। अगर वो पत्नी सूर्य को मानने लगनी शुरू कर देती है तो जी। अगर वो पत्नी सूर्य देव का नमस्कार बुलाती है, सूर्य देव को मानती है, आदर सम्मान करती है, बड़ों का बुजुर्गों का मान सम्मान करती है, तो पत्नी के द्वारा पति को अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगर कहीं बच्चों का सूर्यदेव अच्छा है, वो पिता का सूर्यदेव खराब है, तो बच्चे अपना धर्म निभाएं,
माता पिता के पांव को हाथ लगाएं, अपना सूर्य ठीक करें, बच्चों के द्वारा पिता का सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाता है। जी जी प्रोफेसर, बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि आप ही हैं एक इकलौते मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर जो हर बात का आपके पास जवाब होता है। तो बहुत अच्छी बातें करते हैं आप और ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, इतना ज्ञान लोगों के लिए दे रहे हैं, तो इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है 7 नंबर राशि में सूर्यदेव जो हैं वो आने वाले हैं, दीपावली जो है वो आने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने इस एपिसोड को शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि ओम नमः शिवाय ही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। आप अपना ध्यान रखें, फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।